अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरु स्टूडियो। तो लास्ट ट्यूटोरियल में हमने यहाँ तक जो है वो अपने टेक्सचर्स कंप्लीट किए थे, और अब ये पार्ट टू है टेक्सचर्स का। तो अब हम नेक्स्ट जो भी हमारे टेक्सचर रहते हैं वो इस पार्ट में कवर करेंगे। तो अब हम अपनी रेंडर जो इमेज है उसको देखते हैं, और अब हम बाउंड्री वॉल के ऊपर वर्क करते हैं। तो बाउंड्री वॉल पर हमारे दो टेक्सचर लगे हुए हैं, ग्रे टेक्सचर्स और वाइट। तो वाइट ऑलरेडी हमने अप्लाई कर दिया है, आपने सिंपल वाइट पेंट ले लेना है यहाँ से और उसकी थोड़ी सी रिफ्लेक्शन बढ़ा देनी है। इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमारे पास ग्रे टेक्सचर इसके ऊपर अप्लाई होगा, और यहाँ पे हम इसको एसोलेट कर लेते हैं और एम प्रेस करते हैं। हम स्लेट मोड में जाते हैं और यहाँ पर हमने एक ग्रे स्टोन टेक्सचर बनाया हुआ है, ब्लैक स्टोन, तो इसी को हम अप्लाई करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसको अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद अब हम इसकी यूवी मैपिंग देख लेते हैं, थोड़ी सी ठीक है, इशू नहीं है। और ये ओके, आपने भी इसी तरह यूवी मैपिंग ज़रूर करनी है, इसके अलावा टेक्सचर्स अच्छे नहीं आते। तो ये करने के बाद अब हम जाएंगे अपनी बाउंड्री वॉल के ऊपर। तो बाउंड्री वॉल हमारी कुछ इस तरह से लग रही है, और इसके ऊपर हम वाइट टेक्सचर्स ही अप्लाई करेंगे। जो हमारी ओरिजिनल पिक्चर है उसमें हमने कॉन्क्रीट टेक्सचर यूज़ किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम ठीक है, हम कॉन्क्रीट ही यूज़ कर देंगे। जो हमारा ऊपर टेक्सचर यूज़ हुआ है वही टेक्सचर हम यहाँ पर यूज़ कर देंगे। ओके, और कुछ इस तरह से हमें टेक्सचर हमने अप्लाई कर दिया। इसके बाद हम एसोलेट करते हैं ऑफ, और यहाँ पे जाने के बाद अब हमारे ऑलमोस्ट टेक्सचर जो है वो अप्लाई हो चुके हैं। और ये डोर हमने मॉडल उठाया हुआ है किसी वेबसाइट से, अगर आपको चाहिए तो ये मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप गौर से देखें तो इस जगह पर हमारा टेक्सचर चेंज है, हमारा स्टोन टेक्सचर लगा हुआ है, तो इसको हम चेंज करेंगे। ये हमने पार्ट जो अलहदा किया हुआ है, और यहाँ पे इसको हम एसोलेट कर लेंगे। एसोलेट करने के बाद इसके ऊपर हम करेंगे टेक्सचर अप्लाई। और टेक्सचर ढूंढने का सबसे आसान तरीकाकार ये है कि पिंटरेस्ट पे आप अपना अकाउंट बनाएं, और वहाँ से आपको जो मर्ज़ी टेक्सचर चाहिए आपको मिल जाएगा। अच्छी क्वालिटी का तो नहीं होता, लेकिन काफ़ी हद तक बेहतर क्वालिटी होती है, आपका क्लाइंट जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है। तो वैसे तो PPR मटेरियल यूज़ करने चाहिए, लेकिन वो आप इतने मिलते भी नहीं हैं फ्री, तो ज़्यादातर पेड होते हैं। लिहाजा ये आप देखें, ये ग्रे टेक्सचर आपका ब्लैक पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम स्टोन टेक्सचर जो है वो शेयर करते हैं, स्टोन वॉल यानी वॉल टेक्सचर हम यहाँ पे सर्च करते हैं। ओके, और यहाँ पे हम स्टोन 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 देखते हैं, स्टोन हमारा किधर गया ये। तो हम इससे सिमिलर कोई भी टेक्सचर देखेंगे यहाँ पे जो कि हमें अच्छा लग रहा हो, और कुछ इस तरह का ये ठीक है, हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। सिंपली आपने यहाँ पे डाउनलोड कर देना, डाउनलोड करने के बाद ये आपका डाउनलोड वाले ऑप्शन में चला जाएगा जहाँ पे आपने इसका पाथ सेलेक्ट किया हुआ होगा। दोबारा से हम मैक्स में आते हैं, यहाँ पे हम एम प्रेस करते हैं, दोबारा से हम मैक्स में आते हैं, यहाँ पर हम एम प्रेस करते हैं। एम प्रेस करने के बाद इस टेक्सचर्स की मैं एक कॉपी बना लेता हूँ, और इस टेक्सचर की हमने कॉपी बना ली। अब यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ पे हम करते हैं वॉल टेक्सचर, विंडो को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे जाते हैं रीनेम और वॉल स्टोन टेक्सचर्स, ठीक है, कुछ इस तरह से। ओके, और यहाँ पे आपने अपलोड कर देना है अपना बिटमैप जो कि हमारा पड़ा हुआ है डाउनलोड में, और ये रहा। ओके, यहाँ पर अप्लाई कर दिया। उसके बाद हम इस वाले जगह पे अप्लाई करते हैं, शिफ्ट करके हम इसकी कॉपी बना लेते हैं, और ये हमारा अप्लाई हो गया। इसके बाद हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, हमारा टेक्सचर बन चुका है, और यहाँ पे हम इसके ऊपर टेक्सचर लगा देंगे कुछ इस तरह से। ये हमारा टेक्सचर जो है इसके ऊपर बन चुका है और अप्लाई भी हो चुका है, तो ये हमारा एरिया कुछ इस तरह से नज़र आएगा। इसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने डोर के ऊपर। तो डोर्स के ऊपर हमें वुडन टेक्सचर चाहिए, तो वुड टेक्सचर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहां से डायरेक्ट यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसको मैं पार्ट को अलग कर लेता हूं ताकि हमें अच्छे से नज़र आए, ऑल्ट क्यू करके। तो सबको सेलेक्ट करते हैं, एम प्रेस करते हैं, और यहां पे हम वुड टेक्सचर जो है वो यूज़ करते हैं, और उसके लिए हम जाते हैं अपने वीरे मटेरियल लाइब्रेरी में। ओके, और यहाँ पर हम वुड जो है वो मटेरियल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ अच्छा सा मटेरियल मिल नहीं रहा जो हमें चाहिए, तो यहाँ पे अब हम यूज़ करते हैं चौस ब्राउज़र का, चौस कॉस्मस ब्राउज़र, और यहाँ से हम कुछ टेक्सचर ढूंढते हैं, डाउनलोड करते हैं, मटेरियल्स में जाते हैं,
और यहाँ पे हम वुड में जाते हैं। वुड में जाने के बाद ये टेक्सचर हमारा अच्छा डाउनलोड हुआ हुआ है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम एम्प्रेस करेंगे और कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर में जाएंगे और यहाँ से हम इस टेक्सचर्स को इस स्लॉट में इंपोर्ट कर देंगे। जस्ट आपने इंपोर्ट करना है। ओके, ये इंपोर्ट हो चुका है और अब हम इसको अपना पूरा दरवाज़ा जो है अपना पूरा डोर सिलेक्ट करेंगे और अप्लाई कर देंगे कुछ इस तरह। ठीक है, अच्छा लग रहा है। यहाँ हम यूवी मैपिंग को डिलीट करेंगे और एडिटेबल पॉली और यहाँ पर हम यूवी मैप यूज़ करेंगे। यूवी मैप, ओके। फ्रंट पे हम जाएंगे और इसको हम रोटेट कर लेंगे गिज़मो अपने लिहाज से। ये ठीक लग रहा है। ठीक है, समथिंग बेटर। इसका साइज हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। नहीं, साइज हम छोटा रखेंगे, ताकि छोटा साइज रखेंगे, बिल्कुल स्मॉल साइज में। ये कुछ इस तरह से ये डोर अप्लाई हो चुका है, इसके ऊपर भी अप्लाई हो चुका है। इस वाले हम यू वी डब्ल्यू मैप को कॉपी करेंगे, इसके ऊपर हम पेस्ट कर देंगे, इसके बाद इसके ऊपर हम पेस्ट कर देंगे। अब हम इसके हैंडल्स को ब्लैक जो है वो हमने यूज़ किया हुआ था ब्लैक मेटल, तो हम ब्लैक कर लेंगे, यानी मेटल कर लेंगे। थोड़ा सा इस तरह कुछ नज़र आएगा ये। ठीक है, उसके बाद ये वाला डोर है हमारे पास सेम, इसी को भी हम वही तरीका अपनाएंगे। यहाँ से हम कर लेंगे कन्वर्ट एडिटेबल पॉली और इसके ऊपर हम अप्लाई कर देंगे वुड टेक्सचर्स और यहाँ पे हम इसको कॉपी कर देंगे जो हमारे पास, नहीं इसको डिलीट करेंगे। पहले हम ग्रुप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद इसके ऊपर हम दोबारा से ग्रुप ओपन करेंगे, इसके ऊपर हम यू वी डब्ल्यू मैप अप्लाई करेंगे और इसको हम करेंगे रोटेट 90 पे। रोटेट किया और यहाँ पे इसका साइज़ कर लेंगे छोटा, यानी स्मॉल साइज़ में हम यूज़ करें कुछ इस तरह से। इसके बाद इसका ठीक है, अच्छा लग रहा है, इसको चेंज नहीं करेंगे। ये हमारा जो है वो हैंडल्स हैं, हैंडल्स को हम ब्लैक करेंगे, यहाँ पे हम इसको ब्लैक कर लेंगे। ओके, और ये हमारा टेक्सचर लग गया डोर के ऊपर। इसके बाद हमारे पास एक ये टेक्सचर रहता है जो कि ये हमने छोटा सा शेड डाला हुआ है और उसके बाद हमारा यहाँ पे सीलिंग है जो हमारा कारपोच एरिया है, सीलिंग उसमें टेक्सचर रहता है। तो ये टेक्सचर अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट पे जाते हैं। सबसे पहले इस टेक्सचर पे हम एक ब्लैक कलर, जो ये वाला कलर है, ये वाला टेक्सचर है, यही अप्लाई करेंगे हम फ्रंट में। एम्प्रेस करेंगे और यहाँ से हम जाएंगे स्लेट मटेरियल एडिटर में और यहाँ से हम जो है वो अपना ये वाला टेक्सचर जो है अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर। ये वाला टेक्सचर इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। अब टॉप पे तो हमने अपना टेक्सचर अप्लाई कर लिया, लेकिन अब ये इसका जो बॉटम एरिया है यहाँ पे हम एक टेक्सचर अप्लाई करेंगे वुडन फ्लोरिंग का पैटर्न, जो कि हम एम्प्रेस करेंगे और यहाँ से हम जो है वो स्लेट मोड में ही रहेंगे और कॉसमोस ब्राउज़र का हम यूज़ करेंगे और यहाँ से हमने एक पैटर्न जो है वो डाउनलोड किया हुआ है, इसी पैटर्न को हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ से मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, तो ये एक्सपोर्ट हो चुका है और अब डाउन साइड में हम इसको अप्लाई कर देंगे कुछ इस तरह से। और यहाँ से हम यूवी मैप हमारा ऑलरेडी नहीं अप्लाई हुआ हुआ, तो हम इसको अप्लाई करेंगे यूवी मैप। तो ये हमारा अप्लाई हो चुका है। अब इसको हम थोड़ा सा रिसाइज कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब हम इसको मूव कर लेंगे ये, अब हम इसका रिसाइज कर लेंगे अगेन। ओके, डन। ये होने के बाद अब हम डाउन में चलते हैं, हमारा जो है ये वाला टेक्सचर्स बाकी है। तो यहाँ पे हम सिंपल जो है जो ये हमारी कार पोर्च एरिया में सीलिंग है, तो इसमें हम जस्ट वाइट मटेरियल देंगे, हमारी सीलिंग वाइट रहेगी। तो यहाँ पे हम वाइट जो पेंट हमने बनाया हुआ था उसको यहाँ पे अप्लाई कर देंगे कुछ इस तरह से। अब ये सीलिंग हमारी वाइट हो गई है, प्रॉपर वाइट है हमारा। दोबारा से चेक कर लेते हैं, हाँ ठीक है, ओके। तो ये सीलिंग हमारी अब वाइट हो चुकी है और इसके बाद हम आ जाते हैं अपने ग्लास मटेरियल के ऊपर। ये हमारा कुछ ग्लास मटेरियल है, हमारे पास तीन विंडो ही हैं और तीन विंडो में हम ग्लास यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक जो है वो रेलिंग है, उसके ऊपर हम ग्लास यूज़ करेंगे। तो ग्लास यूज़ करने के लिए अब आप देखेंगे हमारा जो रेंडर इफ़ेक्ट है, इसमें कुछ इस तरह से हमने ग्लास जो है वो दिया हुआ है। अब अंदर हमने लाइट लगाई हुई है, तो इस तरीके से हम ग्लास को यूज़ करते हैं।
तो दोबारा से हम एम प्रेस करते हैं और यहाँ से हम एक ग्लास मटेरियल लेते हैं। ग्लास मटेरियल लेने के लिए आपको वीरे मटेरियल लाइब्रेरी में जाना है, आपने बिल्कुल नहीं बनाना, बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ग्लास मिल जाएंगे। ये हमारे पास ग्लास हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट पैटर्न भी हैं। और अभी फ़िलहाल हम सिंगल जस्ट ग्लास विंडो नेचुरली यूज़ करेंगे, ऐड टू मटेरियल, और यहाँ पर हम इस पर अप्लाई कर देंगे तो ये हमारा ग्लास हो जाएगा। उसके बाद ये भी हमारा ग्लास हो जाएगा, उसके बाद ये हमारा ग्लास हो जाएगा कुछ इस तरह से। इसके बाद हमारे पास ये जो है इसको हम डिलीट कर देंगे, ये छोटे डब्बे हैं, इनमें हमने रखने हैं प्लांट, तो वो हम बाद में रखेंगे। इसके बाद हमारे पास जो है ये ग्लास मटेरियल बचता है, इसके ऊपर हम ग्लास मटेरियल अप्लाई करेंगे। उसके बाद हमारे पास रेलिंग है, यानी जो हमने विंडो बनाई हुई है। इसके बाद हमारे पास फ्रेम है, यानी विंडो फ्रेम है, तो विंडो फ्रेम को हम सेलेक्ट करेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से इसका मटेरियल जो है वो ब्लैक, जो हमने मेटल यूज़ किया है वही यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारी विंडो ब्लैक है। ये देखें, हमने ब्लैक विंडो यूज़ की हुई है, ब्लैक यानी मेटल, तो इसमें हम ब्लैक अप्लाई कर देंगे। इसको भी सिलेक्ट करके ब्लैक मेटल, और यहाँ पे भी हम मेटल यूज़ कर लेंगे ब्लैक। इसके बाद हमारे पास जो है ऑलमोस्ट रेडी है हमारा टेक्सचर। अब इनसाइड पे हमारे पास कर्टन्स हैं, तो कर्टन्स में ज़्यादातर टू साइडेड मटेरियल यूज़ होता है।